नमस्ते सभी को। रोज़ की दाल खा खा कर आप भी बोर हो जाते होंगे, तो ऐसे समय का सेवियर होता है कढ़ी। तो किचन में लगाइए अपना मनपसंद गाना और शुरू करते हैं खाना बनाना। अब इसे बनाने के लिए एक मिक्सर में डाला है मैंने बेसन आधा कप और 1/4 कप दही। अगर आपको कढ़ी खट्टी ज़्यादा पसंद है तो जितना बेसन उतनी दही आप यूज़ करें। एक्चुअल रेसिपी भी 1/1 की ही होती है, पर हमारे घर में उतना खट्टा नहीं पसंद। और साथ में डाला है मैंने 2 कप पानी। इसे मिक्सर में अच्छी तरह फेंट लें। अब एक कढ़ाई में डालें 2 टेबलस्पून के करीब तेल। जब तक ये गर्म होगा हम अदरक लहसुन कूच लेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 कलियाँ और 1 इंच के करीब अदरक। फ़ोरन में अब डालेंगे हम ज़ीरा, सूखी मिर्च, मेथी, हींग और करी पत्ता। मैं तेज पत्ता डालना भूल गई थी, आप 1 डाल दीजिएगा। साथ ही साथ आधा कटा प्याज, इसे मिक्स कर लें। अब हम डालेंगे इसमें कुचा हुआ अदरक लहसुन, साथ ही साथ हल्दी मिर्च और फेटा हुआ बेसन और दही। तो पूरा मिलाकर मैंने इसमें 4 कप पानी डाला था। नमक डालकर अब इसे पकने दें। इसमें हल्दी का कलर और अच्छे से आएगा और कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसमें बहुत डर रहता है कि ये उफन के गिर जाएगा, ऐसे में आप छोटी कटोरी इसके अंदर डाल दें, ये नहीं गिरेगा। ऐसा जब आप दूध उबालें ना तब भी कर सकते हैं। और इसे 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर उबलने छोड़ दीजिए। जब ऐसी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा आप इसे उतार लें। अब आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये रेडी है, पर आपको अगर थोड़ा सा सुंदर दिखाना है उसके लिए आप इसे छन्नी से इस तरीके से छान लें। देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी दिख रहा है ना। इसे थंबनेल के चक्कर में मैंने दोबारा छौंका है। इसके लिए मैंने तेल गर्म किया है, उसमें डाली है राई, सूखी मिर्च, हींग, लाल मिर्च और करी पत्ता। आप जब छौंके तो लाल मिर्च लास्ट में डालिएगा क्योंकि ये तुरंत जल जाता है। आप इस प्रोसेस को स्किप भी कर सकते हैं, पर अगर आपको लगता है कढ़ी में कोई कमी लग रही है तो इसे भी छौंक में आप ओवरकम कर सकते हैं। मुझे जैसे लाल मिर्च कम लगी थी तो मैंने डाल दिया था। तो इस तरह आपकी कढ़ी तैयार। होप आपको रेसिपी पसंद आई। बनाएं और बताएं कि कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। खैर, कढ़ी को आप गर्म गर्म चावल के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।